हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशा क्लासेस। आज मैं आपको नई तरह की खट्टी मीठी इडली सिखाने वाली हूँ, वो भी इंस्टेंट इडली। इसे मैंने यहाँ पे रवे की इडली बनाई हुई है। इसे बनाना बहुत इजी है, देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है हमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा है। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना। सूजी लेंगे, इसको छान लेंगे। इसको अच्छे से छान लेंगे। ये देखो अच्छे से छन गई है। ये देखिए इतना मट्ठा दही है। अब हम इसको अपनी सूजी में डाल देंगे, को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना है आपको। अभी जितना हमें ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम पानी लेंगे। अभी यहाँ पे मैं 1 कप पानी ले रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें। अब 1 कप पानी और डाल देंगे हम और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अब कुछ देर के लिए ऐसे ही फेंटना है। ये देखिए अब इसमें एक बार आधा कप पानी और डाल देंगे हम और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बैटर ऐसा होना चाहिए। अब इसको हम हाफ एन आवर के लिए रख देंगे। ये हाफ एन आवर हो गए हैं, अब इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से आपको कुछ सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स करना है इसको। पहले इसको हम हाफ कर देंगे, जितना हम बैटर रखने वाले हैं उतना ही बैटर हम एक बार लेंगे। जितना बना रहे हैं उसके हिसाब से मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही बैटर लिया हुआ है। अब हम इसमें नींबू डालेंगे, स्वादानुसार इसमें नमक डालेंगे। अब थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। जब तक ये हो रहा था तब तक मैंने पानी भी गर्म रख दिया है। मैंने यहाँ पे इडली बैटर पे से अच्छे से इसमें तेल लगा दिया है। ऐसे ही आपको सबको करना है। पानी में बॉईल आने के बाद हम इसमें सोडा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमारी जो इडली की जो प्लेट है उसमें डाल देंगे बैटर को। ये मैंने प्लेट फिल कर दी है। अब हमारे इडली बैटर जो रहता है उसमें रख देंगे इसको हम। ऐसे ही हम बाकी सब भी रख देंगे और इसको हम 20 से 25 मिनट्स के लिए होने देंगे फुल फ्लेम पे ही। इडली रेडी हो रही है, तब तक हम पानी नहीं बना देंगे। उसके लिए हम सबसे पहले गैस चालू कर देंगे और सबसे पहले हम तेल रखेंगे। इसको अच्छे से हम गर्म हो गया अच्छे से। अब हम इसमें राई डालेंगे। यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच राई ले रही हूँ। अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे और इसको हम अच्छे से भूनने देंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ते अच्छे से हम होने देंगे। अब हम पानी डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। ये आपके टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हो। स्वादानुसार इसमें नमक डालेंगे। थोड़ा ही डालें क्योंकि पानी के लिए डालना है। हमारी इडली में हम नमक डाल चुके थे पहले से ही, इसलिए पानी हम थोड़ा ही नमक डालेंगे। अब इसमें अच्छे से एक बॉईल आने देंगे।
बॉईल आ गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। इडली एक बार चेक कर लेते हैं नाइफ से। ये देखिए नाइफ एकदम क्लीन आया है, हमारी इडली रेडी हो गई है। अब इसको कुछ देर के लिए हम ठंडा होने देंगे। हमारी इडली ठंडी हो गई, अब हम इसको निकाल देंगे। ऐसे ही बाकी सब भी निकाल देंगे। अब हमने जो तड़का बनाया था वो इसके ऊपर डालेंगे। अभी हम ये देखिए कितनी अच्छी इडली लग रही है हमारी ये। अब थोड़ा सा हम कोथमीर डाल देंगे। हमारी इडली रेडी हो गई है।